नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ हिना। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। यूपी की सीटों की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों पर आज बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। ये सीटें हैं मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत। इन सभी सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव मैनपुरी सीट से अपने मत अधिकार का प्रयोग मैनपुरी में करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा। मतदान के बीच ईवीएम पर घमासान लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर कई सारे सवाल खड़े किए। हर जगह गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच रामपुर से भी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने ईवीएम से जुड़ी शिकायत की। आजम के बेटे अब्दुल्ला ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। अब्दुल्ला के आरोपों को आयोग ने खारिज कर दिया है सिरे से। मतदान के बीच ईवीएम पर घमासान लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, मैनपुरी से वोट किया। डिंपल यादव भी मौजूद थी साथ। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर कई सारे बड़े सवाल खड़े किए। इसी बीच आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर कई सारे सवाल खड़े किए और लगातार ईवीएम पे खराबी होने की बात सामने रखी विपक्ष ने। ईवीएम को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि सरकार जो डिजिटलाइजेशन की बात करती है, भारत को डिजिटल बनाने की बात करती है, तो क्यों ईवीएम की मशीनों में इतनी बड़े स्तर पर खराबियां आ रही हैं? ईवीएम को लेकर फिर बवाल मचना शुरू हो गया है। कई जगह से ईवीएम के खराब होने की बातें सामने आई। ईवीएम को लेकर घमासान लगातार जारी है। इलेक्शन कमीशन को भी ये सब जानकारी दी है, मशीने खराब की, मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा रामपुर में। ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों चाहे सरकार के मंत्री, मुझे पूरा यकीन है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। अच्छा, बहन जी के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं? वो देश का नया प्रधानमंत्री होगा। देश नया प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और नई सरकार, नए प्रधानमंत्री जी के लिए मतदान करें। योगदान दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से लोग आहत हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के झूठों से लोग परेशान हो चुके हैं, लोग एक नई सरकार चाहते हैं, लोग नया प्रधानमंत्री चाहते हैं और इसके लिए बड़ी तादाद में लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वोट दे रहे हैं और बीजेपी पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। गठबंधन का भी उन्होंने एक बार फिर बखान किया। उन्होंने कहा गठबंधन बहुत ही बड़े स्तर पर जीतने जा रहा है। इसी बीच ईवीएम पर घमासान लगातार जारी है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। आइए सुनते हैं। सर, 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहा है। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से भी कर चुके हैं, इसकी शिकायत हम जहां जहां कर सकते थे वहां कर चुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने ये बात कही थी कि चुनाव आयोग जो अफसर आए हैं, यहाँ जो 6-7 अफसरों की टीम आई है, वो इलेक्शन को खराब करेगी और आज वही हो रहा है। उसके अलावा ये शिकायत आ रही है कि पहचान पत्र होने के बावजूद वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा। कैसे आपको कहां से खबरें आ रही हैं? कहां से? जो लोग बूथ वर्कर्स हैं, जिन लोगों की ड्यूटीज हैं, जो वोट डलवा रहे हैं, जो वोट डाल रहे हैं, वो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ये परेशानी आ रही है और 300 ईवीएम अगर खराब होंगी तो इतला तो मिलेगी कहीं ना कहीं से। सिर्फ रूरल में है या गांव क्षेत्र में? हर जगह, पूरी लोकसभा में, खास तौर पर शहर में। और इसी बीच आजम खान की धर्मपत्नी ने भी मीडिया के सामने आकर कुछ खास कहा। ये सुनते हैं।
प्रशासन बल के जिस दिन से यहाँ जिलाधिकारी ने ज्वाइन किया है उसी दिन से समाजवादियों का उत्पीड़न शुरू हो गया है, डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया है कि किसी और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश हो रही है कि समाजवादियों के वोट ना पड़ पाए। कोई रास्ते में जाता हुआ मिल जाता है उसको दो चार डंडे पुलिस वाले यूं ही चौकियां मार देते हैं। और इस पूरे मामले में निर्वाचन अधिकारी बीआरडी तिवारी का क्या कुछ कहना था ये वो भी सुनाते हैं। चली थी कि 300 से ज्यादा मशीनें रामपुर में खराब पाई गई हैं, तो ऐसी न्यूज पूरी तौर पर निराधार और भ्रामक है। ऐसी कोई खबर नहीं है, मशीनें सुचारू रूप से चल रही हैं, मतदान अच्छा हुआ है। जैसा आपको पता है कि रामपुर में 10% मतदान हुआ था पहले 2 घंटों में, ऐसा मशीनों के एक दो चुटपुट मशीनें जहाँ खराब हुई हर जगह इस तरह की एक दो घटनाएँ हुई हैं जो 1% से 1.5% के बीच से ज़्यादा मशीनें खराब नहीं होती हैं। तो उसी दायरे में 2% 3% के दायरे में भी जो मशीनें शुरुआती घंटों में थोड़ा रिप्लेस होती हैं तो वो हर जगह की न्यूज है। और किसी जगह से मशीनों के खराब होने की EVM जैसी ऐसी कोई सूचना नहीं, ये तथ्य भ्रामक है और इसमें संज्ञान लेते हुए